जिला परिषद सभागार में जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के द्वारा जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में अपनी समस्याओं को लेकर आए लोगों की भीड़ उमड़ी। जी हां, जन सुनवाई में हर बार की तरह बिजली, पानी, सड़क, जमीन पर कब्जे, अवैध निर्माण का कार्य मुद्दा छाया रहा। हालांकि इस जन सुनवाई में पिछले 6 वर्षों से लंबी चल रही पंचायत सहायकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ। जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, जिला प्रमुख बालवीर छिल्लर के द्वारा 14 पंचायत सहायकों को नियुक्ति पत्र दिया गया। जिला प्रमुख बालवीर छिल्लर ने बताया कि 2017 से पंचायत सहायकों की नियुक्ति की फाइल अटकी पड़ी थी, जिसे प्राथमिकता से लेकर आज 14 पंचायत सहायकों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया। पूर्व में भी करीब 16 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए थे। उन्होंने कहा किसी भी योग्य व्यक्ति का कार्य नहीं रुकेगा। हालांकि समय लग गया, लेकिन और भी लोगों को जल्द ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। वही 2017-18 से मामले चल रहे थे जी, और काफी बड़ी फाइल मोटी हो गई थी। हमने सीओ मैडम ने मैंने साहब से जन सुनवाई मिलो, कलेक्टर साहब के पास गए थे, हमारे पास तो आ ही रहे थे। कलेक्टर साहब ने बराबर टीम बढ़ा कर क्या, और सभी के सहयोग, कलेक्टर साहब ने पूरी तरह इनकी तरफ ध्यान देके बहुत पुराने मामले को 16 नियुक्ति पहले 14 अब 30 नियुक्ति दे दी, और भी 2-4 नियुक्ति हम आज देने की सोच रहे हैं। सब हमारा प्रयास है कि जो भी अपनी शिक्षा के माध्यम से अपने पद के लिए जो आदमी काबिल है उसमें कोई कमी नहीं है किसी तरह की, तो हम उस काम को रोक नहीं रहे। पुराने से पुरानी फाइल को हम इस सत्र में जल्दी क्लोज करेंगे, कोई भी काम हम पेंडिंग नहीं छोड़ेंगे।